सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो अभी ट्यूशन जा रहे हैं हम, और बारिश अभी अभी हुई थी तो अभी थोड़ा सा माहौल बढ़िया है। और आज टाइम से ही जा रहे हैं हम ट्यूशन, जहाँ तक अभी तो टाइम नहीं हुआ है, तो अभी हम गली से निकल रहे हैं। तो चलिए ट्यूशन जा रहे हैं हम, आपको दिखाते हैं जो भी रहता है सीन, और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। देखो भाई क्या व्यू है, क्या मस्त व्यू आ रहा है ना, देखो पूरा व्यू भाई क्या मस्त लग रहा है। यहाँ से थोड़ा पास से दिखा देता हूँ, और रोड की हालत भी ऐसी है, और पार्क एक नंबर का लग रहा है पूरा खेत। और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ ट्यूशन, और ये पूरा रोड तो अभी गीला ही रहेगा। हाँ तो आज तो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश होके गई है ना भाई, बहुत तेज़ बारिश आई थी, तो उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं नहाने चला गया था, तो फिर ऐसी बात थी। तो भाई देख सकते हो वहाँ पार्क कितना मस्त लग रहा है, हरा भरा यार एक नंबर। वेदर बढ़िया ही है, मतलब देख सकते हो ऊपर से एक नंबर का ही वेदर है आज तो। रोड की हालत थोड़ी सी ख़राब है, यहाँ पर पानी भर चुका है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए दिक्कत है। और अभी देखो कितना सारा पानी भर गया है रोड पे। अब रोड इसकी वजह से गाड़ियाँ भी आने जाने में दिक्कत होती है यहाँ पर। देखो थोड़ा सा बच के जाना पड़ेगा मुझे, ओ बच गया, पानी का फ्लो देख लो, मैं तो बच बच के निकल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा पूरा। ये सब देखो, इसमें मान लो कोई गिर गया भाई क्या होगा सिस्टम, और ये पूरा पानी पानी बाई चांस इसमें गिर जाए। ये देखो ये तो खुला हुआ है, वो भी खुला हुआ है, वो भी खुला हुआ है, बाई चांस ये पूरा भर जाए और कोई गिर जाए तो क्या होगा भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, पर देख सकते हो व्यू, मतलब बेस्ट व्यू है इस टाइम का भाई सच में। एक इस व्यू के लिए कि यार एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक कर देना, और बताना यार कमेंट्स में कि भाई कैसी लग रही है आपको वीडियोज़। भाई अब रेगुलर हो गए थोड़ा सा, तो भाई यार उसके लिए सपोर्ट दिखा दिया करो यार थोड़ी थोड़ी। वैसे भी आजकल थोड़े से व्यू ठीक आ रहे तो यार अच्छा लगता है, अब रेगुलर वीडियो आती रहेगी। और ये देखना कितना वो क्या है भाई, कमेंट्स में बताना मतलब, वो देखो खड़ी ये, इसको क्या बोलते हैं ना, कमेंट्स में बताना। और देखो पार्क एक नंबर का। टाइम हो चुका है ट्यूशन का, तो मैं ट्यूशन जा ही रहा हूँ, और जैसे अभी थोड़ा सा दूर है तो अभी हम जा रहे हैं पैदल ही, और अभी हम पहुँच रहे हैं वहाँ पे थोड़ी देर में। वहाँ से भाई मुझे पहले बस लेनी है, तो पहले बस से जाएंगे। तो अभी अभी जस्ट हम पहुँच रहे हैं बस स्टैंड के पास, अब रोड पर आ गए हैं, थोड़ा सा दूर और है यहाँ से बस स्टैंड, और उसके बाद वहाँ से बस पकड़ेंगे और सीधे भाई अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। बस थोड़ी सी दूर और 5-10 मिनट का रास्ता है यार यहाँ से बस स्टैंड तक का, मतलब मेरे घर से बस स्टैंड तक का। ओह मैं गिर तो ना जाता, देख बच गया भाई साहब। कोई नहीं, बस अब बस के पास पहुँच रहे हैं। अभी तो एक बस साइड चला गया, उधर से देखो उधर बस चला गया, और ये व्यू भी मस्त है यार। और अभी तो सावन का मौसम है, तो अभी भाई कावड़ लेके आएंगे लोग, तो कावड़ की वीडियो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा जब यहाँ पर लोग कावड़ लेके आएंगे, तो प्लीज़ उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना, और कमेंट्स करके बताना कि आपको चाहिए कि नहीं वीडियो, उस चीज़ के भी बना देंगे कोई दिक्कत नहीं है। और देखो सामने ना अभी लग रहा है वहाँ पर वो टेंट वेंट लग रहा है, जब वो आएंगे ना कावड़ लेके तो लोग वहाँ पर रुकेंगे, तो उनके लिए टेंट लगाया जा रहा है, टेंट की व्यवस्था करी जा रही है, जिससे किसी कावड़िया को मतलब जो आते हैं वहाँ से लोग, किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, तुम पूछोगे कि तुम क्यों नहीं लेके आए कावड़, तो भाई यार मेरे पास टाइम नहीं है, एग्जाम आने को है तुम्हें पता ही है, इसलिए मैं कावड़ लेने नहीं गया यार, नहीं तो मैं जाता ज़रूर। फाइनली बस स्टैंड के पास हम आ गए, देखो सामने यहाँ पे लोग खड़े ना, यहीं बस स्टैंड ही रहा हमारा, बस स्टैंड आ चुका है यहाँ से। मैं थोड़ा सा भाग के जाता हूँ बस स्टैंड के पास, जल्दी से पहुँचता हूँ, अब यहाँ से बस पकड़ता हूँ, और चलो मिलते हैं आपको बाद में। ठीक है, कावड़ के लिए यहाँ पे रुकेंगे लोग, और अभी टेंट लग रहा है यहाँ पर, यहीं पे रुकेंगे कावड़िया लोग सब। बहुत अच्छा हो रखा है, पर जाम लग रखा है पूरा यहाँ पर, हमारी बस नहीं आ रही भाई, 5 मिनट से खड़ा हूँ पर बस नहीं आ रही, और इधर दुकान वकान भी है, और बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है आज तो। ऐसे भी ट्यूशन पहुँच चुके गाइस, और अब ट्यूशन पहुँचता हूँ वहाँ, देखो यहाँ से है थोड़ा सा। फाइनली गाइज आई एम गोइंग टू होम, अब मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि अब छुट्टी हो चुकी है, 5 बज गए हैं, तो हो गई है। हाय सर,
आपका बहुत बहुत उधर मुझे ना वो क्या नाम है ट्रैफिक पुलिस वाले हाई कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा यार ये चीज़ तो बहुत ही बढ़िया। चलो उन्होंने देखा तो सही, एटलीस्ट मतलब उन्होंने व्लॉगिंग को देखा है कि हाँ बंदे व्लॉगिंग करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा यार कसम से इस चीज़ का। और मेरी बस भी शायद आ ही रही होगी पीछे पीछे, थोड़ा सा मैं चलता हूँ स्टैंड पे, बस स्टैंड पे जल्दी जल्दी फिर पकड़ता हूँ बस और आपको मिलता हूँ बाद में शायद, देखते हैं। चलो सामने भाई बस आ रही है वहाँ से, अभी है ना वहाँ से आएगी बस, वो सामने देख लो वहाँ से आएगी बस। और फिर यहाँ पे बस स्टैंड तो ऐसे ही नहीं है पर रुक जाती है बस कभी कभी। ये चौराहा है भाई यहाँ पे, मतलब चारों तरफ बस जाती आती है, मतलब इस साइड भी जाती है और इस साइड भी जाती है और सीधे भी जाती है, उधर से भी आती है, मतलब चौराहा है पूरा मतलब बेसिकली। और यहाँ पर लाल बत्ती है, मतलब यहाँ पर बिल्कुल रूल और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। देखो वहाँ पे वो खड़े भी थे, मतलब ट्रैफिक जो कंट्रोल करते हैं, तो ठीक है। तो फाइनली मैं बस में बैठ गया था और उसके बाद अब देख सकते हो कि बस का ऐसा सीन है भाई, बस में मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता क्योंकि भाई मुझे थोड़ी सी शर्म आती है, इसलिए आप व्यू देख सकते हो, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का और मौसम भी बहुत बढ़िया हो रखा था आज का। बस पे सूट नहीं होता मुझसे क्योंकि शर्म सी आती है, अभी थोड़ा जल्दी मतलब स्टार्ट करा बोलो तो थोड़ा थोड़ा यार हिचक मतलब हिचक होती है, मतलब डर अच्छा नहीं लगता कि बस पे हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, बट यार क्या करूँ, मतलब शुरू शुरू में अगर आप भी करोगे ना तो भाई आपको ऐसे लगेगा कि मतलब यार सब देख रहे हैं तो व्लॉगिंग नहीं हो पाती भाई, इसलिए मैं बस में व्लॉगिंग नहीं करता। और बारिश आने आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो अभी जल्दी से घर भागता हूँ मैं। और प्लीज़ आप बताना यार अगर भाई शुरू में व्लॉगिंग करोगे ना, जब आप शुरू में व्लॉगिंग करोगे तो भाई आपके साथ भी ऐसा ही होगा, तो फेस करना पड़ सकता है आपको ये सारी चीज़ें शुरू में। वैसे शुरू में बेइज्जती भी बहुत लोग करते हैं कि हाँ क्या कर रहा है ये, फालतू है ये वो, बट अगर भाई तुम्हें सक्सेस होना है तो भाई इन सब चीज़ों को छोड़ के आगे निकलना पड़ेगा। बात बताऊँ तुम्हें तो शुरू में मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे मेरे दोस्त यार भी बोलते थे कि यार क्या कर रहा है ये, बट अब थोड़ा थोड़ा ऐसे अब व्यू आने लग गए तो सारे बोलने लग गए हाँ भाई बहुत बढ़िया कर रहा, बहुत बढ़िया कर रहा। तो भाई शुरू शुरू में आप सभी को किसी को भी भाई इस चीज़ का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, तो एक बार बच के निकल जाओ यहाँ से फिर बात करते हैं। हाँ तो भाई बारिश भी आ रही है तो भाई शुरू में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है अब में से सभी को भी, किसी को भी पड़ सकता है यार अगर ऐसे दोस्त हो तो किसी को भी। वैसे यार ये मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है यहाँ का देखना, अभी मैं क्रिकेट खेलने का सोच रहा हूँ पर देखते हैं वहाँ पे जाके अगर बनता है प्लान तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सब यार एक नंबर का हो रहा है आज, एक नंबर जो होता है ना एक नंबर बिल्कुल यार, वो यही पार्क है जिसमें हम खेलने जाते हैं देखो वहाँ पर थोड़ा सा मौसम ख़राब इसलिए नहीं गए दो दिन से, कोई नहीं आज खेलेंगे, देख रहे हैं वैसे तो बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी इसलिए शायद ही जाएंगे। यार ये वाला पार्क नहीं सूखा अभी तक, पूरा ये गीला हो रखा है, वैसे भी ये थोड़े से बारिश में भी मतलब पूरा भर जाता है। वो वाला पार्क ठीक है जिसमें हम खेलने जाते हैं, वो थोड़ी सी बारिश होने के बाद भी ठीक रहता है, मतलब पानी नहीं भरता उसमें, इसमें देखो पानी भरा हुआ है पूरा, तो इस पार्क में हम इसलिए नहीं खेलते। वैसे भी इसका जो वो बंदा रहता है इसमें वो भाई यार वो थोड़ा सा ना सनकी है, थोड़ा सा पागल भी है, तो उसकी वजह से भी हम नहीं खेलते यहाँ पर। आपको मैं अपने उन दोस्तों से मिलवाने वाला हूँ जो ना मेरी मतलब ब्लॉगिंग में बेइज्जती करते हैं, ठीक है, तो ना आप उसको देखना और मुझे बताना कि वही कैसे बंदे, ये देखना कि अपने दोस्तों के भी ऐसे हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। ये रहे वो कुछ लोग, पहले तो एक ये है वो पहला शख्स वैसे, और दूसरा ये भी हो सकता है। आज के व्लॉग कैसी लगी आपको प्लीज़ यार कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अब रेगुलर आती रहेगी तो यार प्लीज़ लाइक वाइक कर देना, और बस यही सब है। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और चलो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।